वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, उसके आए हुए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत शानदार हैं, जनरली क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें रियल में सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल स्किल का इस्तेमाल होता है। रियल में आप एंजॉय करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है ये। इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अवेलेबल रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि इसमें इंग्लिश हिंदी ज़्यादा मायने रखता नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जो बेसिक कैलकुलेशन है उसका अपना ही मायने है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। पहला क्वेश्चन देखिए, देख के क्या लग रहा है, एक ओवरऑल लुक। ठीक है, सॉल्व तो करूंगा। डिवाइडेड बाय 75, डिवाइडेड बाय 36, 12 में से 4 यहां, 3 यहां, बचा यहां पर क्या 9, यहां पर बचा क्या 25, अंदर गया तो बाई फाइव डबल किया तो 33 स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 9 इज कंसर्न, 11 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज इक्वल टू, सोचिए जब हम लोग बात किए तो स्क्वायर रूट करने पर प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 11, ये होता है। लेकिन जो ऑप्शन हैं उसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है, वैसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हुआ 11। अब मैं करके दिखाता हूं कि ये हुआ कैसे, जल्दी बोलिए हुआ कैसे। मैंने क्या किया, ये 165 है ना, 5 अंदर ले आए थे, 5 कहां से आया था, तो एक स्टेप और लिखता हूं, वन स्टेप मोर। देखिए 75 को दरअसल हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये जो 36 है इसे हम 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, और ऊपर जो है वो 12 है, इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर, ये आप गौर कीजिए, 12 का मतलब ये कंसल्ट, 9 रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो है ना स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ ऐसे, क्या लिख सकते हैं अंदर, यानी 165 बाय 5 होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 9, ऐसा है ना, बोलिए इसको डबल या 5 से कैंसिल करें, 33 स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये 9 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ये इंटू 1 बाय 3 ऐसे, एक बार लिख देता हूं, इसका मतलब 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर बाय 9, यही कैंसिल हुआ था। लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो इसके बाद ये यहां होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको स्क्वायर रूट है, ओके, 13 बाई 4 इंटू 8 कर देते हैं बाय 17 इंटू 2 कर देते हैं बाय 5, जल्दी बोलिए ये है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आप देखें तो ये 4 है, यानी ये है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा,
और उसके बाद कैंसिल होना नहीं है, ऑप्शन देखिए, इसके मुताबिक स्क्वायर रूट ऑफ, पूरा स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, 13 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 85। बोलिए होगा ना, ठीक है, यानी ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ऑफ इनटू 8, ठीक है रहने देते हैं, इज इक्वल टू, वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लिस्ट कीजिए, फैक्टराइज करके कॉमन लीजिए, लेकिन आसानी से क्या होता है, आसानी से कम हमें 4 दिखाई देता है, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 7 बचेगा ना, 7 into 6 42, और 4 कॉमन ले लें दैट मीन्स 4 into 10। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर होगा, आप मुझे बताइए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, 8 से कैंसिल करना है, 4 into 4 16 को हम 2 लिखें और 100 200 आंसर बोले कि नहीं, ऐसे बोले कि नहीं, वैसे आप स्क्वायर किया तो 4 into 4 into 10 into 10 ऐसे लिखा, into 8 लिखा, ठीक है काटा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन रियल में करने का ऐसे है, ठीक है क्लियर। अगला सवाल, फोर्थ नंबर देखिए, देखिए नंबर क्या है, 2n1/3 प्लस, इसको करते हैं 17/5 into 5/4 ये है, और -8/3 है। आप मुझे एक बात बताइए, ये 7/3 8/3 तो 1/3 होगा कि नहीं, माइनस, और जहां तक इसका सवाल है ये 17/4 होगा कि नहीं, नीचे एलसीएम सीधा आप बोलते हैं 4 into 3 यानी कि 12 बोलते हैं डायरेक्ट, और बोलते हैं 51 में 4 लेस करेंगे 47। बीच का स्टेप मैंने समझाने के ख्याल से लिखा था, जरूरी नहीं, डायरेक्ट आइए, 51 minus 4 क्लियर। बोलिए देखिए एक बार, ठीक है आगे बढ़े, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा टेढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अच्छा मैं लिखता हूं, ठीक है रुकिए, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, रुक जाइए, वैसे होता ये है कि जब हम लोग लिख देंगे सॉल्व कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा हमने क्या क्या किया, एक बार देख लेते हैं ठीक लिखा हुआ है, हाँ क्योंकि कॉपी करने में एरर होने का चांस रहता है, हो गया, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं तो कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ऐसा करते हैं इसको एक बार और लिखते हैं, ठीक है, 52.901 - 17.563 - 7.731 - 0.690। देखिए सॉल्व तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट एक तरफ और राइट साइड का पार्ट एक तरफ, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहली बात है ये तीनों माइनस है ये प्लस है, तो 17 and 7 24 को लेस कर दें तो 28 बचेगा कि नहीं, पहले बताइए, कैंसिल कर देने के बाद समझ में नहीं आएगा क्या किया। अब पॉजिटिव में ओनली 901 है, तो मेरा मन करता है कि 900 और 1 को 1 और 701 तो यहां उड़ा देते और 200 यहां से उड़ा देते,
देखिए अब कुछ समझ में आ रहा है कहां से क्या कर दी। अब ओनली इसका ही ना एडिशन है, उसमें भी धुन सुनिए, आप सुनिए ये 363 है ना डेसिमल के बाद, अगर हम 10 इसे दे दें तो 700 हो जाए डेसिमल के बाद, 10 इसे दे दें तो 700 और 300 1000 माने 1 और ये 53 और 30 83 यानी 1 माइनस 1.083 यानी 26.917 इज द आंसर। अब अगले पार्ट में जो हमने किया था ये और ये किया था, क्लियर, 363 जिसमें से 10 दे दिया, 353 300 और 700 1000 यानी 1 और ये 53 और 30 80 यानी ये, इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिखा था क्योंकि कर देने के बाद इसको भी मैं काट देता तो कुछ समझ में नहीं आता, क्लियर, 26.917 यानी कि बी इज द आंसर, है ना, ये शानदार क्वेश्चन है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक शानदार क्वेश्चन, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 762 प्लस 44% ऑफ 568 इज इक्वल टू 524.24, है ना। इसका जो मेन पार्ट है वो यही वाला है, इसके बाद परसेंटेज निकालना है, इसको क्या करें, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पेचीदा लग रहा है, लेकिन 11 इज ए फैक्टर और 11 से मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, 11 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 11 से करते हैं, फिर 2 प्लस इसके बाद डेसिमल, 4 से करेंगे तो क्या होगा। देखिए इसे आप 600 माइनस 32 समझिए, 600 इंटू 4 2400 और 32 का डबल 64 का डबल 128 को 2400 से लेस करेंगे, 2400 आया था, 2400 से तो 2200, 128 लेस कर रहे थे तो 72, 11% ऑफ, ऐसा ये कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल हम लोग इसको 11 इंटू 4 जैसा मानते हैं और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसके बाद सॉल्व करने में कुछ खास है नहीं, 11 से मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं 2 है, 9 है, 9 है, 4 है, 2 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, जस्ट थोड़ा सा लिख देता हूं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे, ये 524.24 है ना, हम लोग 8 यहां दे दें, 8 यहां दे दें तो ये 250 हो जाए, और 250 500 में से 250 हटा दीजिए तो 250 और 24 274.32 न हो जाए। व्हाट परसेंट ऑफ 762 इज इक्वल टू दिस। आप बोलेंगे हमने तो एक बड़ा काम जल्दी कर लिया, लेकिन अब क्या करें, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ तो है, परसेंटेज निकालना आसान भी नहीं है, तो ऑप्शन की ओर देखते हैं, नन ऑफ दीज नहीं है, होल नंबर के रूप में है। ये 2 मान लीजिए 2% है तो 2 into 2 4 तो यूनिट प्लेस पर होगा ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, जल्दी बताइए, 2 into 1 करने से 2 होता है और 2 into 6 करने से 2 होता है, यानी यहां पर 1 या 6 में से कोई होना चाहिए, यानी 36% होगा,
ये इशारा करता है कि 36% ऑफ 762 ही 274.32 होगा. सो देयरफॉर 36 इज आंसर. है ना शानदार क्वेश्चन. एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला सवाल, जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे. 11 स्क्वायर 121 तो 36 लेस करना है, तो 21 को पहले हटाइए तो बच गया 15, उसको हटाइए तो हो गया 85, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 170, यानी 1.7, यानी कि स्क्वायर किया तो 2.89 आंसर. नहीं समझे क्वेश्चन मार्क, बताता हूं. देखिए ऐसा है कि ये वाला पोर्शन है ना, हम लोग क्या करते हैं 121 माइनस 36 करते हैं. इसको जो हमने कहा कि 21 पहले हटाइए ना, तो बोलेगा ठीक है हटा देते हैं, तो 85 बचेगा कि नहीं. ये जो आया क्या हम दोनों ओ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 170 हो और ऐसा ना हो जाए. बोलिए दैट मीन्स कि 1.7 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 2.89 इज द आंसर. बोलिए मजेदार है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक शानदार क्वेश्चन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बताता हूं. स्क्वायर रूट फाइनली लेना है किसका, तो इसके अंदर जो स्क्वायर रूट है 44944 ये, और प्लस एक और नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 52441 इज इक्वल टू व्हाट. तो इसका स्क्वायर रूट मिला करके जो नंबर होगा वो स्क्वायर नंबर होगा, ताकि स्क्वायर रूट लें तो एग्जैक्ट है. आए मुझे बताइए एक बात, बताता हूं तरीका, पहले बताता हूं. ठीक है, मान लीजिए इसको लेता हूं तो ये क्या है 524, ठीक है, और 41 ये है, ठीक है. फाइव टू फोर फोर वन, ठीक है. आप गौर कीजिए, ये टू प्लेसेस छोड़ दीजिए, तो जब हम इनकी बात करेंगे किन टू स्क्वायर्स के बीच में है, तो हम जानते हैं कि जो 23 का स्क्वायर होता है वो 529 होता है. जल्दी बोलिए, यानी कि हम ऐसे कर दें तो ये होता है. इसका मतलब 230 से कम है, और इधर लिखने की जरूरत नहीं है कि 222 का स्क्वायर 484 होता है. देखिए इसको देखिए, और ये इसके लिए है. तो ये 1 इशारा करता है कि या तो ये 229 होगा या ये 221 होगा. 1, इस 1 से ये पता चलता है. तो ये किसके नजदीक है, क्लोजर है, यानी कि ये तय है. क्लियर, यानी कहने का मतलब कि ये इसका जो स्क्वायर रूट निकाले वो कंफर्म है कि ये 229 है. अब मुझे एक बात बताइए, इससे तो थोड़ा कम ही होगा, ये बात तो तय है. आप गौर कीजिए कि जो 449
और 4-4 है, तो आप इसके बारे में गौर कीजिए कि 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होता है। तो क्या है इससे थोड़ा ऊपर? थोड़ा ऊपर का मतलब ये 4 बताता है कि 212 और 218, इसी दोनों में कोई होगा। मुझे एक बात बताइए कि 212 ले या 218 ले, ये बताता है कि 212 और 218, थोड़ी देर के लिए तो इसको स्क्वायर नंबर आना चाहिए। आप मुझे बताइए कि ये 441 है ना, अगर हम 218 लेंगे, मान लीजिए एग्जैक्टली नहीं भी निकालते हैं, तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा, 447। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 इज आंसर। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन था, बताइए शानदार क्वेश्चन था कि नहीं, ये बताइए। इसके बाद आइए नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। 14 से डिवाइड करना है, 7 क्यूब का मतलब 343 प्लस 6 कर दीजिए तो 343 में 6 कर दीजिए तो 349 माइनस 300 इज इक्वल टू 49। बताता हूं कैसे, इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी प्लस माइनस 7। हमारा जो ऑप्शन है उसमें प्लस माइनस 7 होगा, लेकिन सिर्फ 7 है, कहीं भी माइनस 7 नहीं है। ये बताता है कि 7 इज आंसर। दिखाता हूं मैंने क्या क्या किया। 98 है बाई 14 इंटू 49 माइनस 294 इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर। देखिए ये 7 टाइम्स, ये 343 माइनस 294, हम लोग दोनों ओर 6-6 कर दें तो ये नंबर ये न हो जाए, ये नंबर ये न हो जाए। क्लियर? क्यों किया हमने? सुंदर नंबर बनाने के लिए, ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। ये बताता है 6 के डिफरेंट पावर्स होंगे, 6 क्यूब यानी कि 3 प्लस 3, ये 36 यानी 6 स्क्वायर यानी माइनस 4, और ये 2 3 2 3 2 3, 2 क्यूब 3 क्यूब 6 क्यूब, 3 × 2 = 6। बोलिए, यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ, 5 इज इक्वल टू व्हाट? तो आंसर कैसे हुआ, ये 6 to the power 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 36 का मतलब 6 स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 × 3 2 × 3 यानी कि 6 क्यूब, ऐसे करके इसका मतलब 6 to the power 3 माइनस 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 6 to the power what। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, ये समझ में आने के बाद ये सब लिखा नहीं जाता है, ये मन में होता है और आगे फिर ऐसे है ना। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं लिखता हूं 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 और माइनस 95.42। उसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले हमने एक सॉल्व किया था, फिर एक बार दोबारा लिख देता हूं। ठीक है,
ताकि ये समझ में आए कि आखिर किया क्या गया। देखिए, क्या करते हैं, क्या करें, डेसिबल के लेफ्ट साइड का पार्ट अलग, राइट साइड का पार्ट अलग। तो सबसे पहली बात यह है कि ये तो सेम साइन है ना, माइनस माइनस, इसमें से फाइव लेके यहां दे दीजिए, 100 हो जाए, 371 और 100, 471 को हटाना है, 400 यहां, 50 और 21 यहां, हो गया 471, हट गया। ये माइनस वाला ये सब पार्ट खत्म, ओनली 100 बचा है और 4 बचा हुआ है, 104 है। जल्दी बोलिए, 42 को हटा दें तो क्या बचे, 3 बचे, ठीक है, इस 3 और ये 58 और 3 क्या हुआ, 61। बताऊं, 61 और यहां पर क्या माइनस है ना, 89। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, 61 पहले दे दीजिए, ठीक है, 28 बचेगा। देखिए नहीं समझे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर लेस कीजिए तो क्या बचेगा, -0.28, यानी कहने का मतलब 103.72 आंसर। ये वाला पार्ट कहां से हुआ, 0.58 प्लस 3 है, तो इसे ऐड ही कर देते हैं, 61 - 0.89, ऐसे। क्लियर, समझ में आया ये कैसे हुआ, ऐसे। तो आंसर क्या हुआ, 103.72। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चंस एग्जाम के हैं। देखिए क्या है, ये 24 है ना, 24 का मतलब चलिए 8 × 3 लिखते हैं, बाई 4 स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 7.4 है, ए वन पार्ट, सेकंड पार्ट 7³ -231। जल्दी बोलिए, इसे भी हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट। देखिए क्या है, 8 × 2 ले लेते हैं, 16, 37 × 3 111 होता है, 111 होता है, और ये हम जानते हैं कि 343 - 231 यही है ना। बोलिए, आप मुझे बताइए, इसका मतलब 11.1 प्लस ये 112 होगा ना, बोलिए, इज इक्वल टू व्हाट, दैट मींस की 123.1 इज द आंसर, 123.1 इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको खूब बनाइए, चाहे किसी भी एग्जाम के हो। ये नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट फेज वन का 12 क्वेश्चंस आया हुआ है, कितना शानदार है, जिनका बेसिक कैलकुलेशन पर कमांड होगा वो बड़े आसानी से बना सकते हैं कि नहीं, और दूसरों पर लीड ले सकते हैं कि नहीं। ऑल द बेस्ट।